श्री गणेशाय नमः। जया एकादशी की व्रत कथा। एक बार जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को सभी एकादशियों का महत्व बता रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इस एकादशी व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है और उसके करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है, अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की महिमा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र नंदन वन में विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। जब मालवन नामक गंधर्व गायन कर रहा था, उस समय पुष्पावती नामक गंधर्व कन्या वहां पर उस समय नृत्य कर रही थी। इसी बीच जैसे ही पुष्पवती की नजर मालवन पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। वह सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे मालवन उसकी ओर आकर्षित हो जाए। वह अपनी हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। दूसरी ओर मालवन भी पुष्पवती को देखकर सुदबुद्ध खो बैठा था और अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है, अतः इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने पुष्पवती तथा मालवन को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले मालवन और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था, वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। हिमालय पर अत्यंत सर्दी थी जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। देव योग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन कुछ भी भोजन ना किया और ना कोई पाप कर्म ही किए। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस दिन सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें
पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली उसका पूरा वृतांत मुझसे कहो। इस पर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य है, अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप आनंद के साथ विहार करो। हे राजन, इस जया एकादशी के व्रत करने से कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे।